उत्तराखंड में उबाल लाने वाले मामले अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब देहरादून के होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट पर सख्ती अपनाई जा रही है। इन पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA सख्त रुख अपना रहा है। MDDA की तरफ सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। अंकिता हत्याकांड के बाद अवैध चल रहे होटल और रिजॉर्ट को लेकर MDD एक्शन मोड में आ गया है। उत्तराखंड में अब तक करीब 350 से ज़्यादा होटल एवं रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जा चुकी है। देहरादून के तहसील चौक स्थित होटल रिलैक्स के संचालक अख्तर हुसैन का कहना है कि MDDA द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है ये हर साल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की निगरानी में होटल और रिजॉर्ट चलेंगे तो कोई भी अनैतिक काम नहीं हो सकेगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मुहिम चलाई है MDDA ने या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा, कि होटलों की जो भी जांच चल रही है या प्रक्रिया चल रही है वो बहुत अच्छा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में, ये सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं और इंडस्ट्रियों की भी जांच होनी चाहिए। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार तो रिकन्फर्म हो जाने चाहिए कि हाँ, पोर्टल पर डाल देने चाहिए कि ये वेरीफाई है कि नहीं है। यशवीर आर्य का कहना है कि जो ये सत्यापन अब MDDA द्वारा किए जा रहे हैं वे पहले ही होने थे। यदि पहले से ही ऐसा होता तो हम हमारी बेटी अंकिता को न खोते। आज MDDA हो, नगर निगम हो या कोई भी संस्था हो, वह जांच की बात कर रही है कि देखेगी इन इन सब जगहों पर क्या क्या गतिविधियाँ किसके द्वारा की जा रही हैं। यदि समय रहते हुए भी हमने देख लिया होता तो शायद यह हत्याकांड सा नहीं हो पाता। आज जागने की जरूरत है, ध्यान रहे। यदि हम लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए तो इस तरह के हत्याकांड होते रहेंगे। अंकिता के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, उस कमरे को अचानक ही ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा क्यों? कहा जा रहा है कि हमने सबूत इकट्ठे कर लिए। अरे, सबूत के प्रमाण कैसे पता लगेगा ये उसी कमरे के सबूत हैं? जब किसी जांच एजेंसी को या कोर्ट को दिखाना होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। MDDA सचिव मोहन सिंह बर्निया ने जानकारी देते हुए कहा है कि शहर के बीच हो या नदियों के किनारे बनाए गए होटल रिजॉर्ट हो, जो मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं, उन्हें एक एक करके नोटिस भेजकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक सेक्टर में होटल और रिजॉर्ट का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक करीब 350 होटल और रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जा चुकी है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। देहरादून से न्यूज 18 लोकल के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।